अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अभी आज हम लोग तबर्रक की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, 10 मुहर्रम में हम लोगों ने रात से शुरू कर दी थी। हलीम बना रहे हैं बेसिकली हम लोग, तो यहाँ पर सब दालें और कच्चे चावल वगैरह पानी में अच्छे तरीके से धो के पूरी रात के लिए भिगो के रख दी थी, और सुबह भी हम लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने न्याज में क्या दिया है, सुन्नी हो या वहाबी या शिया हो, ठीक है। एज अ मुस्लिम हम पे फ़र्ज़ है कि हम इस दिन हतम कह के और न्याज बांटा करें। अभी कुकर में अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करके मिर्ची डाल के अब चिकन ऐड करेंगे ताकि ये बॉईल हो जाए। दाल बॉईल होने के बाद चूल्हे का ये हाल हो गया था, अभी कूचा काची होगी इसकी और फिर ये साफ़ हो जाएगा। तो दाल को अच्छे तरीके से मामा ने मशीन की हेल्प से अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया था, और अब ये चिकन जो है इसको मैश करेंगे, क्योंकि आपको पता है ऐसे चिकन डाल दें तो वो टेस्ट नहीं आएगा चिकन। अब इसको मामा निकालेंगी प्लेट में और फिर अच्छे तरीके से इसकी पीसेस करेंगी इस मदानी या जो भी इसे कहते हैं उसकी मदद से। हलीम के अंदर हमेशा जो चिकन का टेस्ट है वो सबसे औसम होता है। यहाँ पे अच्छे तरीके से चिकन के पीसेस हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो कुकर में मसाले डाले थे, चिकन का जो पानी है वो हम इस हलीम में ऐड कर देंगे, इससे मज़े का टेस्ट आएगा। और अब अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे, मिक्स और मिक्स करते जाने बस। अब नेक्स्ट कढ़ाई में हम लोग ले लेंगे ऑयल, ऑयल के बाद हम लोग यहाँ पे प्याज जो है वो लाइट ब्राउन करेंगे, इससे बड़े मज़े का टेस्ट आता है हलीम के अंदर। तो हम लोगों ने तब तक नान मंगवा लिए थे और नान आ चुके थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाती हूँ। ये गली का बच्चा जिसने नान ला के दिए हैं, तो नान आ गए थे लेकिन अभी हलीम जो है वो बनी नहीं थी। लेकिन मामा जो है वो बता रही थी कि जब तक रेशे नहीं बन जाते तब तक हलीम जो है वो हमें करनी पड़ती है उसकी बुनाई अच्छे तरीके से। तो अभी यहाँ पर हमारे जो प्याज हैं, अदरक है और हरी मिर्ची हैं वो फ्राई हो चुकी हैं। सारा मसाला अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और यहाँ पे हमारी जो हलीम है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। डिश आउट हमने कर ली है, ये चंद अहम घरों में बेचनी थी, और उसके बाद मामा भी हतम कह रही हैं। तो आप सब भी अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अभी बच्चों को बाकी न्याज बांटेंगे, तो बच्चे बस आ चुके हैं। ऊपर जाओ ऊपर। हाँ।